hello friends uh, i welcome you all on your pd education so today i am uh, going to solve uh, some questions for you in this in this fundu 15 series on syllogism and these are the questions based on statement and conclusions also so statement conclusion we both in syllogs we both say. ठीक है एंड मेनली यहाँ पर ऑल सम नो इसका केस आता है तो सम के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स वो यूज़ कर लेता है एट लीस्ट एट मोस्ट ठीक है तो ऑल का मतलब तो हंड्रेड परसेंट है तो सम कुछ भी हो सकता है ठीक है और सम के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी आई विल से आई विल सॉल्व द क्वेश्चन सो आई आई विल टेक ऑल द पॉसिबल केसेस ओके एंड मेनली आई विल कंसिडर वाई सॉल्विंग द मिनिमम पॉसिबल केस ओनली from minimum possible case we can conclude something okay so let's try to solve some questions first one yes so directions will be given to you and whatever uh, is the statement given to you so you have to consider that as true you have to consider that as true and then only on the basis of the, uh, that statement you have to read the conclusion you have to make the diagram you have to read the conclusion and then accordingly you have to tell if the conclusion follows the statements or स्टेटमेंट समॉक्टर्स आर फूल जोशी इज अ डॉक्टर ठीक है अब देखो क्या है सम डॉक्टर कुछ भी हो सकता है तो यहां पर कंक्लूजन देखो ओनली वन फॉलो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो आईदर वन और टू फॉलो नाइद वन नो टू फॉलो बोथ वन एंड टू फॉलो आईदर मीन दैट मीन कंप्लीमेंटरी पेयर ठीक है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पॉजिटिव सेंस एंड इन नेगेटिव सेंस एंड दीज टू सेंस पॉसिबल केसेस यू चूज केस ठीक है सर सारे के सारे के के हो गए में में और ठीक 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 है के साथ, ARB, ठीक है no A is B, ठीक है साथ या तो कुछ A होंगे, या कुछ होंगे होंगे या कोई भी A, B नहीं होगा तो मैंने जितने भी पॉसिबल डायग्राम बनाए थे दोनों कंक्लूजन में वो कवर हो गए मेरे ठीक है तो बन जाता है कौन सा केस कंप्लीमेंटरी पेयर भी बोल देते हो आप सो so आइदर तो जब भी ऐसे दिया हो पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में दिया हो और दो ही आई विल से ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रखी हो ठीक है तो वहां पर तुम आइदर ध्यान में रखते हो ठीक है सो लेट्स डू इट सम डॉक्टर्स आर फूल्स सम डॉक्टर्स आर फूल्स कुछ डॉक्टर्स फूल्स हैं सम डॉक्टर्स आर फूल्स हाँ जी ऐसे हो सकते हैं सम डॉक्टर्स आर फूल्स सम डॉक्टर्स आर फूल्स ऐसे भी बनाया जा सकता है हाँ जी some doctors आर फूल्स कैसे कैसे बनाया जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम डॉक्टर्स आर फूल कैसे कैसे बनाया जा सकता है हाँ जी सम डॉक्टर्स आर फूल्स ऐसे भी बनाया जा सकता है ध्यान से देखना इस केस में ऑल डॉक्टर आर फूल तो इसका मतलब कुछ डॉक्टर तो फूल होंगे सारे के सारे डॉक्टर फूल हैं तो कुछ के लिए तो बोल ही सकता हूं मैं सम डॉक्टर्स फूल्स नो ठीक है एंड इसके अलावा आप ओवरलैपिंग वाला भी केस बना सकते हो ठीक है आप मेनली यही दो केसेस लेके चलते हो सम डॉक्टर आर फूल तो मेनली आप यही केस लेकर चलते हो सम डॉक्टर आर फूल सम डॉक्टर आर तो ऐसे ही आप लेकर चलते हो दो केसेस उसके अलावा ये दो केस भी पॉसिबल है सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ जी। तो आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि डायग्राम क्या क्या बन सकता है सम डॉक्टर्स आर फूल्स ठीक है एंड उसके अलावा जोशी इज आ डॉक्टर जोशी इज अ डॉक्टर सम डॉक्टर्स आर फूल्स सम डॉक्टर्स आर फूल्स एंड जोशी इज अ डॉक्टर सो दैट कैन बी हेयर दैट कैन बी हेयर सो दैट कैन बी एनी वेयर बट दैट शुड बी इन डॉक्टर सर्कल एंड दैट कैन बी प्लेज हेयर ऑल्सो तो डॉक्टर में कहीं भी हो जाए जोशी जोशी इज अ डॉक्टर हाँ जी आंसर इज कंक्लूजन रीड द कंक्लूजन जोशी इज अ फूल क्या जोशी एक फूल है हाँ जी जोशी इज अ फूल सर यहां पर है यहां पर है यहां पर भी है ठीक है एंड यहां पर भी है और यहां पर भी है सर हो भी सकता है ठीक है जोशी इज अ फूल और जोशी ठीक है जोशी फूल के सर्कल के बाहर भी हो सकता है तो सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वी कांट कंक्लूड सम फूल्स आर डॉक्टर्स कि सर कुछ फूल्स डॉक्टर्स हैं हमेशा हैं यार इस केस में भी हैं इस केस में भी हैं ये वाला रीजन देख लो ठीक है सम फूल्स आर डॉक्टर्स इस केस में भी है हाँ जी तो इसका मतलब क्या बनेगा आपका इसमें ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस आंसर वुड बी बी So, I think must be clear with this.

सम बॉल्स आर पॉइंट ऑल पॉइंट्स आर पेन्स ऑल पेन्स तो हमेशा आई विल से आई विल ट्राई टू मेक ऑल फर्स्ट अब देखो ऑल में भी क्या है ऑल में जब बनाते हो ऑल पॉइंट आर पेन्स तो पॉइंट और पेन ऑल पॉइंट आर पेन दोनों ओवरलैप कर लो ये भी तो ठीक है यार इसमें क्या दिक्कत है बट मिनिमम पॉसिबल केस ऑल पॉइंट आर पेन तो पॉइंट का सर्कल पेन के अंदर ऑल पॉइंट्स आर पेन कंक्लूजन इससे निकलेगी उससे कभी भी कंक्लूजन नहीं निकलती यही प्रॉब्लम थी सम वाले केस में भी ठीक है सम में भी जब तुम ओवरलैप कर लेते हो तब नहीं निकलती बाकी तीनों ही इंपॉर्टेंट है केसेस तीनों केसेस लेने पड़ते हैं हमें ठीक है बस ऑल में ये वाला केस लेना पड़ता है ऑल में इस केस की जरूरत नहीं पड़ती इससे कंक्लूजन नहीं निकलेगी तो इसे मैं नहीं लूंगा मिनिमम पॉसिबल केस यू हैव टू टेक सो दैट यू कैन रीच ऑन एनी कंक्लूजन हाँ जी ऑल पॉइंट आर पेन ऑल पेन आर जेल्स तो जितने भी पेन हैं वो जेल्स हैं ऑल पेन्स शुड बी अंडर जेल्स सर्कल अगेन दे कैन ओवरलैप बट आई एम नॉट डूइंग दैट आर पॉइंट कुछ बॉल्स पॉइंट्स हैं के सो लेट्स ट्राई टू मेक सम बॉल्स आर पॉइंट्स सम बॉल्स आर पॉइंट्स तो सारी बॉल अंदर भी रख सकता हूं मैं पहले भी बताया तुम्हें के सम का सम बॉल्स आर पॉइंट्स ठीक है अब बॉल का पॉइंट के साथ रिलेशन दिया बॉल का पेन के साथ रिलेशन नहीं दिया यार तो बॉल का कुछ सर्कल पॉइंट के अंदर रख के ऐसे बना दो समझे या नहीं समझे सम बॉल्स आर पॉइंट्स या बॉल पूरा कवर कर दो पॉइंट को या अब बॉल को बाहर भी ले जाओ जेल से तो शाम के तो जितने मैंने केसेस बताए थे फर्स्ट केस में वो बन ही सकते हैं बट आई थिंक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे बना दो ना बॉल का रिलेशन यू आर गिवन विद पॉइंट बट यू आर नॉट गिवन द रिलेशन ऑफ बॉल विद पे एंड जेल्स ओके नाउ लेट्स रीड द कंक्लूजन ऑल बॉल्स आर पेन क्या सारी सारी बॉल पेन है हां जी क्या सारी सारी बॉल पेन है सर इस केस में तो है इसमें भी है बट बाकी दोनों में नहीं है जो बड़े सर्कल्स हैं उसमें नहीं है दो में है दो में नहीं है ऑल बॉल्स आर पेन दो में है दो में नहीं है ऑल पेन आर बॉल्स ऑल आर बॉल्स सर सारे के सारे पेन बॉल हैं ऐसा भी नहीं है ऑल आर बॉल्स देखो बाहर जा रहे हैं पेन से दो में जा रहे हैं दो में अंदर है दो में ठीक है दो में नहीं है सो so, पॉसिबिलिटी है अब देखो क्या है कि जब ऐसे दिया होता है तो ये डेफिनेट है डेफिनेट कंक्लूजन सो दीज आर डेफिनेट कंक्लूजनस क्लियर तो डेफिनेटली बोलेगा या ऐसे बोलेगा अदरवाइज वो पॉसिबिलिटी यहां पर एक वर्ड यूज करता है जो कि एक केस होता है पॉसिबिलिटी है हाँ एक केस बन सकता है क्लियर है तो so इसमें जो आपका आंसर बनेगा सो दैट इज नाइदर वन नोर टू फॉलोज सो आंसर शुड बी डी ऑप्शन इसका डी था और इसका बी था हाँ जी सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है तो सम के केसेज याद करने यार सम में वेन डायग्राम क्या क्या बनते हैं ओवरलैपिंग का केस बन जाता है ठीक है बट उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगी ठीक है तो सम में तीनों ही वेन डायग्राम याद रखो ऑल में एक ही रखो उससे ही कंक्लूजन निकलेगी सम नोट का ही बताऊंगा हाँ जी तो सम नोट का केस ले लेते हैं सम एस आर नोट पी तो वेन डायग्राम कैसे कैसे बनाते हो यस है ये पी है सम एस आर नोट पी कुछ बना दिया जो बचा हुआ है सम एस आर नोट पी ऐसे हो गया कोई रिलेशन नहीं सर दूर दूर तक तब भी हम बोल सकते हैं यही चीज सम एस आर नोट पी हाँ जी सम एस आर नोट पी तब भी हम ऐसे बोल सकते हैं सम एस आर नॉट पी तो जो बचा हुआ पोर्शन है सम एस आर नॉट पी तो ये तीनों केसेस बनते हैं अब इसमें कोई भी इंफ्रेंस नहीं निकलती है सम एस आर नॉट पी तो जो सम नोट वाला केस है कोई भी इसमें आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हो नो कंक्लूजन नो कंक्लूजन फॉलोज

ठीक है तो एज इट इज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बस केसेस पता होने चाहिए केसेस क्या क्या बन सकते हैं और कौन कौन से केसेस मुझे कंसिडर करने हैं वाइल सॉल्विंग वाइल ड्राइंग वेन डायग्राम्स फॉर स्टेटमेंट्स ओके सो लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चन हां जी नेक्स्ट देखो यार Yes, so let us try to solve these questions. All kings are queens, some queens are rulers. So, no ruler is a king, all rulers being king is a possibility. All kings are queens. मिनिम पॉसिबल केस अदरवाइज मैं इसे और लैक भी कर सकता था सम क्वींस आर रूलरस कुछ क्वींस तो रूलरसा कुछ रूलर है सम क्वींस तो रूलर्स का के, के साथ ही बन सकता है सम क्वींस आर रूलर्स ये भी बना दो एम आई क्लियर और अदरवाइज जो दूसरा बनाते हो वो भी बना सकते हो सम ए आर बी समी आर ए भी बना सकते हो सम क्वींस आर रूलर्स ठीक है तो ये केसेस मैंने बना दिए इसमें ठीक है अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या नो रूलर इज किंग कोई भी रूलर किंग नहीं है नो रूलर इज किंग कोई भी रूलर किंग नहीं है हां जी एक केस में तो है दो में नहीं है एक में तो है दो में नहीं है ठीक है ऑल रूलर्स बींग किंग ऑल रूलर बींग किंग इज अ पॉसिबिलिटी सारे के सारे रूलर ऑल किंग्स कुछ क्वींस रूलरस एक पॉसिबिलिटी यह भी था रूलर पूरे, पूरे अंदर आ जाए आ सकते हैं क्या दिक्कत क्या है सम क्वीन्स आर रूलरस के के अंदर भी आ सकता है रूलर पूरा पूरा के को भी कवर कर सकता है ऑल रूलर बींग किंग सारे के सारे रूलर क्या है किंग पर उस टाइम पर सम क्वीन्स और रूलर्स तो है ही ना वो तो ट्रू है ही क्वीन के सर्कल के अंदर है रूलर क्योंकि किंग क्वीन के सर्कल के अंदर है ठीक है ऑल रूलर बींग किंग इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है ऑल रूलर्स बींग किंग इज अ पॉसिबिलिटी यस ये पॉसिबिलिटी है एक केस है बाकी तीन केस अलग भी है पॉसिबिलिटी है पर डेफिनेटली डेफिनेटली नो रूलर इज किंग ये नहीं बोला जा सकता नो रूलर इज किंग ये नहीं बोला जा सकता दो केस में है दो में नहीं है दो में है दो में नहीं है समझे है नहीं समझे हाँ पॉसिबिलिटी है ये तो आंसर क्या बन जाएगा ओनली टू फॉलोस पॉसिबिलिटी लगा दिया ना उसमें बी हाँ जी क्लियर है सो लेट्स डू अनदर सम लाइट्स आर डेफिनेटली सम लाइट्स आर रेज ऑल रेज आर ऑप्टिक्स जी ऑल रेज आर ऑप्टिक्स इसे रब कर दूं यार सो आई थिंक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन वेन डायग्राम बना लो ज्यादा ज्यादा जो भी आपके वेन डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ कर लो और क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसमें सम नोट हो या दूसरा केस हो वो भी कवर हो जाता है इससे क्लियर जी सो लेट्स डू सम लाइट्स आर रेज ऑल रेज आर ऑप्टिक्स ऑल रेज आर ऑप्टिक्स पहले तो ये बनाओ सम लाइट्स आर रेज कुछ लाइट्स रेज हैं सम लाइट्स आर रेज अब देखो सम के केस सम लाइट्स आर रेज तो लाइट पूरा पूरा अंदर भी आ सकता है लाइट ऐसे भी आ सकता है यार सम लाइट्स आर रेज ऑल लाइट रे है तो सम के लिए तो ट्रू ही है सम लाइट्स आर रेज सम लाइट्स आर रेज ऐसे ही बना सकते हो ओवरलैप भी कर सकते हो लाइट और रे को उससे कुछ नहीं निकलेगा हां जी क्लियर है सम लाइट्स आर रेज ऑल रेज आर ऑप्टिक्स हां जी और क्या बन सकता है लाइट और भी बाहर आ सकती है ऑप्टिक्स से भी बाहर निकल के आ सकती सम लाइट्स रेस हाँ जी अब देखो सम लाइट्स आर डेफिनेटली नॉट ऑप्टिक्स सम लाइट्स आर डेफिनेटली नॉट ऑप्टिक्स डेफिनेटली नॉट ऑप्टिक्स इस केस में है एक में है बाकी तीनों में तो नहीं है बाकी तीनों में तो लाइट ऑप्टिक्स के अंदर है तो पक्का नहीं बोल सकते ना डेफिनेटली बोल रहा है वो तो पॉसिबिलिटी है एक में पॉसिबिलिटी है बाकी तीन में नहीं है डेफिनेटली नहीं बोला जा सकता सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी ओनली सम रेज आर डेफिनेटली नॉट लाइट्स सम रेज आर डेफिनेटली नॉट लाइट्स हाँ भाई किस केस में है देखो सम रेज आर डेफिनेटली नॉट लाइट्स हाँ भाई और दूसरे भी है सम रेज आर डेफिनेटली नोट लाइट्स और कितने केस हैं लाइट के चेक करो सम रेज आर डेफिनेटली नोट हाँ जी बताओ जल्दी से सम रेज आर डेफिनेटली नोट लाइट्स तो डेफिनेटली तो नहीं है तीन में तो है सर बट एक में तो नहीं है ना एक में तो पॉसिबल है सम रेज आर डेफिनेटली लाइट्स सम रेज आर डेफिनेटली नोट लाइट्स तीन में तो है सर तीन में देखो आप कुछ पोर्शन बाहर है बट एक ये वाला जो मैंने केस बनाया है ठीक है सम रेज आर डेफिनेटली नोट लाइट्स उसमें तो नहीं है तीन में तो करेक्ट है सर एक में नहीं है तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी हाँ जी क्लियर सर दी मस्ट बी क्लियर विद दिस सम रेज आर डेफिनेटली नॉट लाइट्स हाँ जी सम रेज आर डेफिनेटली लाइट्स ये तो करेक्ट था बट सम रेज आर डेफिनेटली नॉट लाइट्स इस पर हम कमेंट नहीं करते हैं कभी भी ठीक है तो जब भी ऐसे दिया होता सम नोट का तो हम कभी भी कमेंट नहीं करते हम श्योर नहीं होते उसके बारे में अदरवाइज आप प्रूव भी कर सकते हो देखो ठीक है तो आंसर बनेगा डी सो आंसर बनेगा नाइदर

ऐसे भी आ सकता है वैकेंसी के अंदर भी आ सकता है वैकेंसी के साथ ओवरलैप हो जाए सम जॉब्स आर ऑक्युपेशन वैकेंसी को पूरा ओवरलैप कर ले ठीक है या उल्टा हो जाए पूरा पूरा ऑक्यूपेशन जॉब को कवर कर ले ऐसा भी हो सकता है यस और नो हो सकता है नहीं हो सकता है हाँ जी जॉब्स आर ऑक्युपेशन्स ऐसे भी हो सकता है हाँ जी देन ऑल वैकेंसीज आर क्या सारी सारी वैकेंसी ऑक्युपेशन होंगी नहीं सर देखो ध्यान से ये बाहर है ये ये वाला वो पूरा पूरा बाहर है ये वाला वो पूरा पूरा बाहर है तो ऑल के लिए तो नहीं हो सकता सर ऑल वैकेंसी इज अ पॉसिबिलिटी हाँ पूरा पूरा ओ वी के अंदर है एक पॉसिबिलिटी है आंसर तो बनेगा बी ओनली टू फॉलोज सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दीज क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी का केस आ जाता डेफिनेटली तो ये देखो यार ठीक है तो सम नोट तो कोई कंक्लूजन देता ही नहीं है कभी सम के बारे में अगर दे दिया तो सम नोट नहीं बता सकते हो तुम ठीक है पहले भी है सम ए आर बी तो सम बी आर ए आल्सो मिनिमम पॉसिबल केस लेते हो ओवरलैपिंग वाला केस लेते ही नहीं हो क्योंकि उससे कुछ कंक्लूजन निकलना ही नहीं है ओके सो लेट्स डू ओके सो लेट्स डू ऑल कार्स आर ट्रक्स हां जी नो ट्रक इज अ जीप कोई भी ट्रक जीप नहीं है दूर रखो ऑल जीप्स आर इंजन तो जितनी भी जीप है ऑल जीप्स आर इंजन ऑल जीप्स आर इंजन तो जितनी भी जीप्स हैं वो क्या है इंजन है ऑल जीप्स आर इंजन हांजी ऑल जीप्स आर इंजन तो इंजन का सर्कल ऑल जीप्स आर इंजन तो ओवरलैप भी हो सकता है ठीक है और इंजन ट्रक में भी जा सकता है और इंजन कार में भी जा सकता है कहीं भी जा सकता है इंजन हांजी नो कार इज आ जीप कोई भी कार जीप नहीं है नो no कार अगर ट्रक नहीं है जीप तो कार भी नहीं होगी ऑल कार बींग इंजन इज अ पॉसिबिलिटी हाँ भाई है ये वाला जो केस बना है पॉसिबिलिटी तो है हाँ जी और कुछ और कंक्लूजन है नो इंजन इज अ कार डेफिनेटली नहीं बोल सकते क्योंकि आप अभी बता के हटे हो कि एक पॉसिबिलिटी है हाँ जी नो ट्रक इज एन इंजन कोई भी ट्रक इंजन नहीं होगा नहीं देखो इस केस में ट्रक के सर्कल के में भी आ रहे हैं तो इन दोनों में तो नाइदर आ जाएगा और इन दोनों में बोथ आ जाएगा आंसर बोथ एंड नाइदर आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दीज क्वेश्चन Okay, so let's do some more questions now. हाँ जी, ध्यान हाँ से देखो कुछ बेड मिरर है तो जैसे मर्जी बना लो यार, ऐसे ही बना लेते हैं सम बेड आर मिरर दूसरा केस भी बन सकता है तीसरा भी बन सकता है जो बताएं, सम मिरर्स आर डोल्स लेट्स टेक दिस केस सम मीर आर डोल्स मेरर डोल है तो ऐसे ही बन सकता है मीर का बैट के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना समोल्स आर चेक्स कुछ डोल समोल्स आर चेक्स सम चैक्स आर पिन कुछ चेक पिन है तो so, बनाओ जहां जहां पर भी चेक है वहां पिन बनाओ देखो कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं निकलेगा कहीं पर है कहीं पर नहीं है सम पिंस आर डोल्स यहां पर है यहां पर नहीं है ये ग्रीन सर्कल सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सम चेक्स आर बेड्स पहले तो ये देख लो कि पिन और डोल का कहीं और जिक्र है नेगेटिव वे में नेगेटिव वे में नहीं है तो इधर आ जाता ठीक है सारे के सारे अलग हैं सम चेक सर बेड्स तो कहीं पर हैं कहीं पर नहीं है सर ये देखो चेक का जो ब्लैक सर्कल है वो यहां पर बेड के साथ हो रहा है बट वहां पर नहीं हो रहा ठीक है कई अब देखो यहां पर दो में ब्लैक सर्कल बेड के साथ है यहां पर नहीं है दो में पॉसिबल है एक में पॉसिबल नहीं है सम चेक सर मिरर कुछ चेक मिरर हैं इसमें है इन दोनों में नहीं है एक में है दो में नहीं है पॉसिबिलिटी है सम डॉल्स कुछ डॉल्स बेड्स हैं ठीक है डॉल का चेक कर लो आप हाँ जी डी देख लो जो ब्लू सर्कल है ये बेड के साथ यहां पर है बट यहां पर नहीं है तो एक में है एक में नहीं है पॉसिबिलिटीज हैं, बट डेफिनेट कंक्लूजन कोई नहीं है क्योंकि यहां पर डेफिनेट नहीं लगाया तब भी डेफिनेटी मान के चलोगे ठीक है तो नन फॉलो आ जाएगा यार So, let us do some more questions. Haan, so, let us do this question. All chocolates are holders. No holder is a lamp. Some lamps are desk. All... डेस्क आर पेंस जी ऑल चॉकलेट्स आर होल्डर्स बनाओ जल्दी से नो होल्डर इज अ कोई भी होल्डर लैंप नहीं है दूर रखो होल्डर लैंप को सम लैंप आर डेस्क कुछ लैंप डेस्क हैं बनाओ डेस्क सम सम्पर डेस्क तो डेस्क रिलेशन लैंप के साथ है डेस्क का रिलेशन चॉकलेट होल्डर के साथ नहीं दिया हुआ बना लो पॉसिबिलिटी तो सारी बनानी है सम लैम्प और डेस्क बना दिया जी हाँ जी और भी कुछ बना सकते हो जैसे के और केसेस थे वैसे भी बना सकते हो ऑल डेस्क आर पेन बट जब ज्यादा स्टेटमेंट दे रखी हो तो ऐसे चल सकते हो सम ऑल डेस्क आर पेन जितने भी डेस्क हैं वो पेन हैं तो सारे डेस्क को पेन से कवर कर दो हाँ जी तो फिर चेक कर लो एक बार जल्दी से सम पेन आर होल्डर्स नो पेन इज होल्डर देखो ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव पेन और होल्डर के बारे में बात हो रही है सम पेन आर होल्डर सम पेन आर होल्डर देखो ये जो दो बड़े सर्कल गई हैं पेन के इन दोनों में पेन क्या है कुछ पेन होल्डर हैं इसमें नहीं है पर इसमें पेन बाहर है होल्डर के सर्कल से समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही नो पेन इज अ होल्डर एक में करेक्ट है बाकी दोनों में नहीं है बाकी दोनों यही केस है तो केसेस तो तीनों ही कवर कर दिए ना तुमने केसेस तो सारी कवर कर दिए या तो कुछ पेन होल्डर हैं या नहीं है तो आंसर क्या बनेगा आधर वन और थ्री यही कंप्लीमेंट्री पेयर होता है आइदर वन और थ्री तो है ही अब और पक्का कौन सा है टू और फोर में से ये चेक कर लो डेस्क आर लैंप तो इसका मतलब होंगे हाँ जी देखो ध्यान से सम डेस्क आर लैंप डेस्क का जो सर्कल था हांजी तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सारे के सारे डेस्क पेन है तो सम तो है ही सम डेस्क आर पेन डेफिनेटली है दो में भी एक में है दो में नहीं है हाँ जी तो टू फॉलो एंड आईदर वन और थ्री फॉलोज आइदर वन और थ्री एंड टू फॉलोज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट्स डू अनदर क्वेश्चन सो दलूड सम एंड ऑल Some sweets are all uh, almonds, some almonds are cashews, and all cashews are pistachios. Now, uh, these are the conclusions all almonds are pistachios, all almonds are either sweets or cashews. See, so almonds are related to all three things sweets, cashews, pistachios. Some pistachios are sweets, some sweets are cashews. Okay, so, so let us try to either case can be made between this, but here. वी नीड टू हैव समथिंग वी नीड टू न्यू समथिंग दैट यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं एज इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा है वो यहाँ पर एलमेंड को रिलेशन सभी के साथ ही रिलेट कर दिया उसने ठीक है एलम्ड का स्वीट के साथ भी कर दिया है कैशूज़ के साथ भी पिस्टैशूज़ के साथ भी तो वनडाइग्राम बनेगा उसी से भी ही पता लगेगा ठीक है क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती हाँ जी ऑल कैशूज़ आर पिस्टैश तो ऐसे ही बने गए यार मिनिमम पॉसिबल केस जो बनाते हैं सम almonds, आर कैशूज कुछ अलमोंड कैशूज हैं सम almonds, आर कैशू एक तो ये बनता होता है सम almonds, एक पूरा का पूरा बनेगा एक पूरा पूरा अंदर भी आ जाए ऑल अलमोंड तो सम तो ही, है ही ठीक है सम अलमोंड्स आर कैशूज सम स्वीट्स आर अलमोंड्स कुछ स्वीट्स अलमोंड्स हैं पूरा बना लो पूरा भी बना सकते हो मैंने बनाया है, नहीं है ठीक है लेट्स मेक होल ऑफ दिस ठीक है सम अलमोंड्स आर कैशूज़ सो लेट्स ट्राई टू मेक लाइक दिस ऐसे भी बन सकता है हाँ जी तो अलमोंड के तीनों केस बना दिए अलमोंड और कैशू के सम स्वीट्स आर एलम्ड्स नाउ अलमोंड के साथ सम स्वीट्स सम स्वीट्स आर अलमोंड्स सम स्वीट्स आर एलम्ड्स सम स्वीट्स आर अलमोंड्स सम स्वीट्स आर एलम्ड्स कैसे भी बना सकते हो स्वीट बाहर भी आ सकती हैं

बट इसमें मैंने एक गलती की है कुछ अलमोंड अगर कैश्यू हैं तो ये अलमोंड तो यार और भी ज़्यादा बाहर भी आ सकते हैं ना सम समलमोंड आर कैश्यू ठीक है ये तो ऐसे भी बन सकता था ठीक है एंड उसके बाद बोल रहा है कि सम स्वीट्स आर अल्मोंड्स ये वाला केस नहीं लिया मैंने सम स्वीट्स आर अलमोंड्स ठीक है तो स्वीट्स को अल्मोंड्स के साथ भी करवा दिया यहाँ भी करवा दिया सारी जगह मैंने करवा दिया फिर ऐसे बना दिया मैंने ये सो नो हाँ जी ऐसे बनाया जा सकता है हाँ जी अब ऑल एलम्ड्स आर पिस्टैश्यूज़ चेक कर लो क्या सारे सारे एलमोंड pistachios हैं यहाँ पर जितने भी रेड हैं तुम देख सकते हो बट यहाँ पर ये यह बाहर आ रहा है ठीक है एज इट इज़ इसमें मैं नहीं बोल सकता सर तीन में ट्रू है तीन में जो लाल सर्कल दिख रहा है आपको बट एक में नहीं है तीन में ट्रू है एक में नहीं है इसके बाद ऑल almonds आर either स्वीट्स और cashews ठीक है तो या तो स्वीट हैं आइदर स्वीट हैं या फिर कैश्यू हैं ऑल एलमोल्ड ठीक है ओल एलमोल्ड आर आइदर स्वीट्स और कैशूज़ हाँ जी ये बोला उन्होंने तो अब यहाँ पर देखो ओल एलमोल्ड्स या तो स्वीट्स हैं या फिर कैशूज़ हैं तो यहाँ पर ये जो रेड रीजन है रेड रीजन के अंदर ये स्वीट्स आ जाएंगी ये ऐसे अलमोल्ड हैं जो कि स्वीट हैं बट ये वाले तो नहीं हैं ठीक है ऐसे ही दूसरे में कैशू में भी हैं ठीक है कैशु वाला केस और देख लो आप ठीक है ये अल्मोल्ड क्या हैं ये अलमोल्ड कौन से हैं ये कैशू हैं ठीक है बट ये ये वाले एलमोंड तो कुछ और भी हो सकते हैं तो आइदर स्वीट और कैश्यू बोलना ये गलत है उसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है हाँ ये करेक्ट है बट इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है अब सर आइदर क्यों नहीं लगा सकते दोनों में क्योंकि इसके अलावा स्वीट और कैश्यू के अलावा पॉसिबिलिटी है सारे के सारे पिस्टैशियो नहीं होंगे क्लियर सम पिस्टैशियो आर स्वीट हाँ जी पॉसिबिलिटीज हैं बट डेफिनेट नहीं है सम पिस्टैशियोज आर स्वीट कुछ पिस्टैशियो स्वीट होंगे हाँ जी डेफिनेट नहीं है कई बार स्वीट बाहर भी है देखो यहाँ पर स्वीट बाहर आ गया सम समिस्टैश्योज आर स्वीट्स हाँ जी ये नहीं बोल सकते हो आप ठीक है सम पिस्टैश्योज़ आर स्वीट ये नहीं बोल सकते हो आप कि कुछ पिस्टैशियो स्वीट हैं सारे के सारे भी बाहर हैं हर केस में आप देखो स्वीट कहाँ कहाँ पर आ रहा है जो भी ग्रीन सर्कल वो पिस्टैश्यू के अंदर था बट तो यहाँ पर ये बाहर भी है ठीक है सम स्वीट्स आर कैश्यू कुछ स्वीट्स क्या है कैश्यू हैं सम स्वीट्स आर कैशू कुछ स्वीट्स कैश्यू हैं चेक करो हाँ जी ये यहां पर चेक करो सम स्वीट्स आर कैशु ठीक है अब यहाँ पर देखो स्वीट कैश्यू के बाहर भी हैं ठीक है तो तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है, भी हो सकता है, बस पॉसिबिलिटीज हैं सारी की सारी तो आंसर बनेगा नन फॉलोस आइदर नहीं बनेगा ध्यान रखना इस केस में तो इसी करके ये क्वेश्चन करवाया भी है So, I think must be clear with this. Okay, so let us do another. So, let us do another now. So, let us do another. सम फ्रूट आर सीड्स ऑल सीड्स आर ट्री ऑल प्लांट्स आर ट्री हाँ जी बताइए जल्दी से वेरी गुड क्वेश्चन तो पहले ऑल बना लो यार ऑल सीड्स आर ट्री बनाओ जल्दी से सारे सारे सीड ट्री हैं ऑल प्लांट्स आर ट्री सॉरी ऑल प्लांट्स आर ट्री सारे सारे सीड ट्री हैं और प्लांट भी ट्रीज हैं सॉरी ऑल प्लांट्स आर ट्री ऐसे हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कैसे भी बना लो यार ठीक है यहाँ भी हो सकता है प्लांट तो प्लांट ट्री के अंदर होने चाहिए बस या ओवरलैप हो सकता है जो कि मैं केस लूँगा नहीं सम फ्रूट्स आर सीड्स कुछ फ्रूट सीड हैं सम फ्रूट्स आर सीड्स ठीक है सम फ्रूट्स ये वाले फ्रूट क्या हैं सीड हैं सारे सारे फ्रूट भी बोल सकता हूँ पूरा फ्रूट का सर्कल आ सकता है सम फ्रूट्स आर सीड्स या पूरा ट्री को भी कवर कर सकता हूँ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ फ्रूट या फिर ऐसे भी बना सकता हूँ हाँ जी सम फ्रूट्स आर सीड्स ऐसे भी बनाया जा सकता है देखो अब अब पढ़ो ध्यान से देखने वाली बात है सम प्लांट्स आर सीड्स नो प्लांट इज सीड कंप्लीमेंटरी पेयर सर कुछ प्लांट सीड है देखो ध्यान से इस केस में है जो ये ग्रीन सर्कल है देखो ध्यान से ग्रीन सर्कल कुछ प्लांट सीड है भाई तीनों में है इसमें नहीं है तीन में है एक में नहीं है तीन में है एक में नहीं है एक इसमें होगा नो no प्लांटी सीड इस केस में है बाकी तीन में नहीं है तो चारों केसेस कवर हो गए दोनों में। तो बन जाएगा, वन और फोर, हाँ जी, some plants are fruit. कुछ होंगे, चेक करो हमेशा ही होंगे यार। सारे के सारे के के अंदर ही आ रहे हैं। जी, जी, इसे चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सम प्लांट्स आर फ्रूट ऐसा नहीं है ये जो ग्रीन सर्कल है ये जो ग्रीन सर्कल है ठीक है एंड प्लांट और फ्रूट के बीच में रिलेशन हाँ जी ऑल प्लांट्स आर ट्री तो है बट सम प्लांट्स आर फ्रूट्स ये नहीं बोला जा सकता कि कुछ प्लांट हमेशा फ्रूट होंगे ऐसा नहीं है ये फ्रूट का सर्कल देखो ये प्लांट का सर्कल देखो ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं हाँ जी नि, न, न, आप देखो ना नीला सर्कल देखो ठीक है तो जरूरी नहीं है कि कुछ प्लांट फ्रूट हो हमेशा सम ट्रीज आर फ्रूट सम ट्रीज़ आर फ्रूट हाँ जी कुछ ट्रीज फ्रूट होंगे हाँ जी बताओ जल्दी से सम ट्रीज़ आर फ्रूट सम ट्रीज आर फ्रूट हां जी ट्री के सर्कल के अंदर है सारे के सारे फ्रूट पहले तो ये देखो जितने भी फ्रूट थे सम ट्रीज़ आर फ्रूट पक्का ये देखो नीला सर्कल सम ट्रीज़ आर फ्रूट सम ट्रीज़ आर फ्रूट ठीक है फिर ये वाला आ गया एक एक वाला बड़ा नीला सर्कल बना दिया मैंने सम ट्रीज आर फ्रूट तब भी है ट्री के एरिया के अंदर ठीक है ऑल ट्रीज आर फ्रूट इसमें बता दिया मैंने तो सम तो है ही ठीक है तो सम ट्रीज आर फ्रूट डेफिनेटली होगा तो आंसर क्या बनेगा थ्री एंड आईदर वन और फोर फॉलो ध्यान से समझो ये तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी तो सम के मैंने जितने भी केस वेन डायग्राम होते हैं चार होते हैं चार में से मैंने तीन बना दिए हैं ठीक है तीन की जगह भी कई बार दो ही लेते हो आप ठीक है वो भी डिपेंड करता है कंक्लूजन कैसे दी हुई है इट डिपेंड्स ऑल अपॉन वट एवर कंक्लूजन आर गिवन टू यू ओके आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस ओके सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन

टाइगर और लाइटर के बीच में रिलेशन ना बनाना कभी भी सम एनिमल्स आर फाइटर्स कुछ एनिमल्स और फाइटर्स हैं बनाओ सम एनिमल्स सम एनिमल्स आर फाइटर तभी मिनिमम पॉसिबल केस ही बनाते हैं सम एनिमल्स आर फाइटर्स ऐसे बना सकते हैं बाहर भी बना सकते हो सम एनिमल्स आर फाइटर्स हो सकता है कि लाइटर के साथ भी चला जाए एनिमल हाँ जी नन ऑफ द लाइटर्स इज अ टाइगर नन ऑफ द लाइटर्स इज टाइगर हमेशा करेक्ट होगा क्योंकि उसने बोला नो टाइगर इज लाइटर तो नो लाइटर इज टाइगर भी करेक्ट होगा सम टाइगर्स आर डेफिनेटली नोट टाइगर्स हां जी सम नोट हाँ आ गया कि सर कुछ टाइगर पक्का लाइटर नहीं होंगे यार जब सारे ही हैं तो कुछ के लिए तो बोल ही सकते हो कुछ के लिए तो बोला ही जा सकता है ना जब नन है टाइगर आइटम का रिलेशन ही नहीं है सम नोट भी हो सकता है कुछ भी नहीं होंगे पक्का जब सौ परसेंट के लिए तो दस परसेंट के लिए भी बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द फाइटर्स आर एनिमल्स सम ऑफ द फाइटर्स आर एनिमल्स कुछ फाइटर्स एनिमल्स हैं हर बार हैं या नहीं है ये देखने वाली बात है कि सम फाइटर्स आर एनिमल्स सम एनिमल्स आर फाइटर्स सम ए आर बी आर ए सम फाइटर्स आर एनिमल डायग्राम से भी चेक कर सकते हो फाइटर एनिमल का हर बार ओवरलैप हो रहा है सम फाइटर्स आर एनिमल्स चेक करो ऑल फाइटर्स आर एनिमल आ रहा है तो इसमें सम फाइटर आर एनिमल सम फाइटर आर एनिमल एनिमल का सर्कल एनिमल का सर्कल यहाँ भी ओवरलैप है एनिमल का सर्कल यहाँ भी ओवरलैप है तो सारी जगह ओवरलैप हो रहा है फाइटर के साथ तो जैसे मर्जी समझ लो इसे या तो रिजल्ट याद कर लो डायरेक्टली ठीक है तो ऑल फॉलो आंसर वुड बी ऑप्शन ई i think must be clear with this question also andhi so i think must be clear with this so let us do another

बनाओ ऐसे और भी बना सकते हो सम जी आर ए इधर बना लो और बनाना और भी बना सकते हो जी को कवर कर लो पूरा ठीक है देन सम ओ आर पी हाँ जी सम ओ आर पी कुछ ओ भी पी हैं लाइक दिस पूरा भी बन सकता है बाहर भी आ सकता है ए के साथ भी ओवरलैप हो सकता है ए के साथ ओवरलैप होके भी बाहर आ सकता है और पूरा वो अंदर आ जाए पी के अंदर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बनाया जा सकता है सम के एक वेन डायग्राम बताया था मैंने तुम्हें एटलीस्ट सम ऑनियंस आर डेफिनेटली गिंग जीज एटलीस्ट सम ओ आर डेफिनेटली जी कि पक्का कुछ ओ जी होंगे हर बार चेक कर लो यार पक्का हर बार जी के साथ ओवरलैप हो रहे हैं ओ या नहीं हो रहे मुझे ये बता दीजिए यस हमेशा ब्लैक सर्कल देख लो हमेशा जी के साथ ओवरलैप हो रहा है कुछ पोर्शन हमेशा ही हो रहा है या तो सारा जी के अंदर है या फिर कुछ क्रॉस करके बाहर जा रहा है तो उसके बावजूद कुछ तो अंदर है यस और नो तो कुछ तो अंदर है ही कुछ नहीं दिया तो ऑल के लिए ऑल एप्पल्स आर जीज क्या सारे के सारे एप्पल जी हैं नहीं जी ऐसा तो नहीं है एक केस में है इसमें बाकी दोनों में नहीं है हाँ जी ऑल एप्पल्स एक्सेप्ट अ फ्यू आर जी ऑल एप्पल्स एक्सेप्ट अ फ्यू आर जी हाँ जी या ये ऐसा है या नहीं है हाँ जी तो इसमें देख लो एप्पल के कितने सर्कल ऑल एप्पल्स यहाँ पे तो सारे सारे जी हैं यहाँ पे ये यह हैं यहाँ पे ये यह जी हैं बट ये ये ठीक है तो कुछ हैं कुछ नहीं है तो ऑल एप्पल्स एक्सेप्ट अ फ्यू आर जी यस बोला जा सकता है करेक्ट है वेन डायग्राम से तो आंसर वन एंड थ्री फॉलो तो कंक्लूजन देने का तरीका है सो दैट इज द वे द एग्जामिनर डू सो इन वट एवर मैनर द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू द कंक्लूजन सो दैट इज द मेन थिंग एंड यू टू रिमेंबर ऑल द केसेस ओके सो जस्ट द केसेस आई डिस्कस्ड विद यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो सो इफ यू रिमेंबर दोज केसेस ओके यू कैन ड्रॉ those possibilities in your venn diagram and if you practice a lot okay so then you, you can miss any of the i will say case also so sometimes so the question will not be that difficult but you need to keep uh, those venn diagrams in mind while solving these type of questions sometimes the conclusion may be uh, tricky okay so then those all cases of venn diagrams will help you ओके सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस ओके सो लेट्स डू हाँ जी ये और करो यार okay. हाँ जी सम मोबाइल आर टेलीफोन्स ऑल टेलीफोन्स आर पेजर्स नो पेजर इज़ अ कैमरा सम मोबाइल आर पेजर्स डेफिनेटली पेजर्स नो मोबाइल इज अ कैमरा बताओ जल्दी से हाँ जी ऑल टेलीफोन्स आर पेजर्स सारे के सारे टेलीफोन क्या हैं पेजर हैं नो पेजर इज अ कैमरा कोई भी पेजर कैमरा नहीं है सब मोबाइल्स आर टेलीफोन्स कुछ मोबाइल टेलीफोन हैं सब मोबाइल्स आर टेलीफोन कुछ मोबाइल टेलीफोन है अंदर भी आ सकता है ये ठीक है एंड पूरा भी टेलीफोन को कवर कर सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है हो सकता है पेजर को भी कवर कर जाए क्रॉस कर जाए सब मोबाइल्स आर टेलीफोन हो सकता है ये फिर कैमरा में भी चले जाए. ये भी पॉसिबिलिटी है बट पेजर टेलीफोन कैमरा में कभी नहीं जाएगा हाँ टेलीफोन से जा सकते हैं मोबाइल जा सकते हैं सब मोबाइल्स आर डेफिनेटली पेजर्स हर बार क्या मोबाइल का जो वेन डायग्राम है वो पेजर को क्रॉस करेगा या पेजर में रहेगा हर बार तो है ही देखो ध्यान से सम मोबाइल्स आर डेफिनेटली पेजर्स रहेगा इसमें देख लो ये वाला रीजन पेजर में इसमें पूरा ही मोबाइल इसमें पूरा मोबाइल इसमें पूरा मोबाइल इसमें भी इतना रीजन कि जब मोबाइल को टेलीफोन बनना है तो वो तो पेजर के अंदर पड़ा है तो मोबाइल को पेजर तो बनना ही पड़ेगा करेक्ट नो मोबाइल इज अ कैमरा हाँ जी कोई भी मोबाइल कैमरा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है बाकी चेक कर लो एक दो तीन चार इसमें तो ठीक है इसमें तो नहीं है ना कैमरा में चला जाए मोबाइल का एक बैंड आएगा जा सकता है उसका कुछ रीजन पॉसिबिलिटी तो है ठीक है बट डेफिनेट नहीं है तो आंसर इज ओनली वन हाँ जी सो आंसर विड वुड बी ऑप्शन ए ओनली वन फॉलोज हाँ जी सो लेट्स डू अनादर ऑल कंट्रीज आर स्ट्रीट्स नो स्ट्रीट इज़ फ्लैग्स सम फ्लैग्ज़ आर एवेन्यूज सम एवेन्यूज़ बिंग स्ट्रीट इज़ अ पॉसिबिलिटी सम कंट्रीज़ आर फ्लैग्स ये देखो चार कंक्लूजन दे दिए करो इस क्वेश्चन को यार हाँ जी आई थिंक पहले वाला क्लियर होगा पहले तो ऑल कंट्रीज आर स्ट्रीट्स हाँ जी सर अब कर दूँ ऊपर वाले को आई थिंक मस्ट भी क्लियर विद दिस कोई street. No street कोई भी नहीं नहीं है. Street flag. कोई street flag नहीं है और तो कोई flag street भी, कोई flag country भी नहीं होगा. ठीक है. तो नो फ्लैग इज कंट्री ये भी एक कंक्लूजन आ गई सीधा ठीक है सम फ्लैग्स आर एवेन्यूज आर एवेन्यू कुछ फ्लैग एवेन्यू है ऐसे बना लो यार ऐसे बना लो सॉरी मैंने एक ही इससे बना दिया ऐसे बना लो फ्लैग आर एवेन्यू फ्लैग आर एवेन्यू तो ऐसे भी हो सकता है सम का केस तो या फ्लैग एवेन्यू पूरा पूरा फ्लैग को कवर कर ले वो भी हो सकता है ठीक है कैसे मर्जी बना लो हाँ जी नेक्स्ट सम एवेन्यूज बींग स्ट्रीट इज़ अ पॉसिबिलिटी सम एवेन्यू कुछ एवेन्यू स्ट्रीट हो सकती हैं सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी हाँ पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है यार और इधर भी जा रहा है सर्कल दो में है, एक में नहीं है सर पॉसिबिलिटी तो है पॉसिबिलिटी तो है सम कंट्रीज आर फ्लैग्स क्या कुछ कंट्री फ्लैग होंगी कभी भी नहीं होंगी कंट्री एवेन्यू हो सकती है बट कंट्री का सर्कल फ्लैग के सर्कल के साथ तो कभी भी नहीं आएगा हाँ जी तो ए ओनली वन फॉलो हाँ जी नो एवेन्यू इज अ कंट्री कोई भी एवेन्यू कंट्री नहीं होगा ऐसा नहीं है ध्यान से देखो एवेन्यू का ये वाला पोर्शन कंट्री के अंदर गया हुआ है नो एवेन्यू इज अ कंट्री कुछ केसेस में ट्रू है इसमें ट्रू है उसमें ट्रू है दो में ट्रू है एक में true है सम स्ट्रीट्स आर फ्लैग्स कुछ स्ट्रीट्स फ्लैग हैं हमेशा हैं क्या हाँ जी सम स्ट्रीट्स आर फ्लैग्स नो नो स्ट्रीट इज फ्लैग साफ साफ बोल रहा है तो सम तो होगा ही नहीं कभी हाँ जी तो इसमें तो ओनली वन फॉलो आ जाएगा और इसमें आ जाएगा नन फॉलो इसमें ओनली वन फॉलो और इसमें आ जाएगा नन फॉलो तो नन के लिए डी है ऊपर वाले में ए आ जाएगा इसमें डी आ जाएगा चेक करो ध्यान से आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस नन फॉलोज ओनली वन फॉलो तीन ही स्टेटमेंट कंक्लूजन भी चार दे दी थ्री स्टेटमेंट्स एंड यू आर गिवन विद फोर कंक्लूजन सो मेन आइडिया सो दैट इज ड्रॉ ऑल द पॉसिबल केसेस ओके एंड मिनिमम पॉसिबल जो आप वेन डायग्राम बनाते हो वो बनाओ मिनिमम पॉसिबल केस हां जी सो लेट्स ओके सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन All 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 glasses glasses glasses. are frames. All blocks are are frames. frames. blocks वो ग्लासेज हैं। ठीक है तो ओवरलैप होगा ऐसे आएगा ऑल ब्लॉक्स आर glasses। तो ग्लासेज सर्कल के अंदर आएगा सम फ्रेम्स आर मेटल्स कुछ फ्रेम मेटल्स हैं। सम फ्रेम्स आर मेटल्स कैसे भी आ सकता है सम फ्रेम्स आर मेटल्स कुछ फ्रेम्स मेटल्स हैं सम फ्रेम्स आर मेटल्स हैं मेटल्स बाहर आ जाए हाँ जी देन ऑल ब्लॉक्स आर आइदर मेटल्स और ग्लासेस हाँ जी ऑल ब्लॉक्स जितने ब्लॉक्स हैं या तो वो मेटल होंगे या फिर ग्लासेस होंगे हाँ जी आइदर मेटल्स और ग्लासेस हाँ जी ऐसा है क्या और भी कुछ हो सकता है हाँ जी ऑल ब्लॉक्स आइदर मेटल्स और ग्लासेस के अलावा यार ये फ्रेमर्स भी तो हो सकते हैं फ्रेम्स भी तो हो सकते हैं ये नहीं दिया उसने ये देता पॉसिबिलिटी हो जाती पूरी बस उसने दो ही दी है क्लियर है ना तो इधर तो नहीं होगा ऐसे सम ब्लॉक्स आर मेटल्स कुछ ब्लॉक्स मेटल्स हो, होंगे हर बार ऐसा नहीं है देखो ध्यान से इसमें है इनमें नहीं है फार्मर्स नहीं है सो दैट इज सम फ्रेम्स सम फ्रेम्स आर ब्लॉक्स सम फ्रेम्स आर ब्लॉक्स यस डेफिनेटली फ्रेम्स का कुछ पोर्शन ब्लॉक्स के पास है सो so आपका आंसर क्या बनेगा ओनली थ्री फॉलोस क्लियर है तो ब्लॉक जो हो सकते हैं वो मेटल भी हो सकते हैं ब्लॉक ग्लासेस भी हो सकते हैं ठीक है सम ब्लॉक्स यानी मेटल्स ठीक है ग्लासेस भी हो सकते हैं फ्रेम्स भी तो हो सकते हैं फ्रेम्स तो दिया ही नहीं उसने पॉसिबिलिटी और भी एग्जिस्ट करती है ना उसमें हाँ जी नेक्स्ट सो आई मस्ट बी क्लियर विद दिस सो लेट्स डू सम मोर सम स्क्स आर सर्कल्स नो सर्कल इज अ ट्राइंगल नो लाइन इज अ स्क्र हाँ जी कुछ देखो ध्यान से सम स्क्र्स सम स्क्स आर सर्कल्स सम स्क्स आर सर्कल्स या दूसरा ही बना सकते हो नो सर्कल इज अ ट्राइंगल कोई भी सर्कल ट्राइंगल नहीं है नो सर्कल इज अ ट्राइंगल नो सर्कल इज अ ट्राइंगल नो लाइन इज अ स्क्वेयर कोई भी लाइन स्क्वेयर नहीं है नो लाइन इज अ स्क्वेयर कोई भी लाइन स्क्र नहीं है तो स्क्वेयर कैन बी हेयर ठीक है स्क्वेयर कैन बी हेयर नो लाइन इज अ स्क्र सॉरी तो ये लाइन है सर्कल के अंदर तो आ सकती है लाइन इधर भी आ सकती है और भी कहीं बाहर आ सकती है हाँ जी कंक्लूजन ऑल स्क्स कैन नेवर बी ट्राइंगल ऑल स्क्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स जितने भी स्कूर्स हैं सो दे कैन नेवर बी ट्राइंगल्स क्या डेफिनेटली बोल सकते हो एंड सम लाइन आर सर्कल्स हाँ जी सम स्क्स आर सर्कल नो सर्कल इज ट्राइंगल तो ऑल स्क्वेयर कैन नेवर बी ट्राइंगल्स बताओ जल्दी से हां जी कैन नेवर भी ट्राइंगल्स देख सकते हो तो ट्राइंगल कुछ बार आ रहे हैं अंदर और कुछ बार कुछ केसेस में नहीं आ रहे तो ऑल स्क्वेयर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स यस कैन नेवर बी ट्राइंगल्स ठीक है कुछ स्क्वेयर ऐसे होंगे जो कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकते कैन नेवर बी ठीक है तो है तो है पॉसिबिलिटी सम लाइंस आर सर्कल्स कुछ लाइंस सर्कल हो सकती हैं हाँ जी ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है हाँ जी सम लाइंस आर सर्कल्स कि कुछ लाइंस सर्कल्स होंगी क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी uh, नहीं है क्या डेफिनेट कंक्लूजन है डेफिनेट नहीं है यहां पर है बट यहां पर लाइन सर्कल के साथ नहीं है कुछ जगह ट्रू है कुछ जगह नहीं है ऑल स्क्वेयर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स ठीक है तो एक पॉसिबिलिटी है हाँ सर पॉसिबिलिटी है तो दैट इज पॉसिबिलिटी होंगी ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है तो ओनली ए फॉलोज सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस सो फ्रेंड्स दीज वर सम ऑफ़ द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड एंड दीज वर सम ऑफ़ द फ्रॉम माई साइड फॉर सिलोजिज्म, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर क्वेश्चन ऑफ अनदर टॉपिक टिल देन कीॉचिंग योर पीडिया थैंक्स वंस अगेन